नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में सभी लोग कोई ना कोई ऐसे कार्य करते हैं ताकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। उसमें से एक कार्य है अखंड ज्योत का। लेकिन अखंड ज्योत जलाने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी, क्योंकि संकल्प लेने के बाद कुछ लोग अखंड ज्योत को जलाते हैं, लेकिन संकल्प लेने वाले व्यक्तियों को खास अखंड ज्योत का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हवा से या फिर दिया की बाती कभी काली पड़ने की वजह से बुझ जाती है तो वह जो भी अपने अखंड ज्योत जलाई है जिस इच्छा की पूर्ति करने के लिए, तो फिर उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आज जानते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं यदि आप संकल्प लेने के बाद अखंड ज्योत जलाते हैं या फिर बिना इच्छा के अखंड ज्योत जलाते हैं उसके। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में सभी लोग अपने घर पर माता के नाम के एक अखंड ज्योत जलाते हैं, और अखंड ज्योत ऐसी जलाते हैं कि वह या तो वह तेल की जलाते हैं या फिर घी और श्रद्धा के अनुसार रखते हैं। लेकिन उसका खास ख्याल रखना पड़ता है, जब तक अखंड ज्योत जल रही है तो उसके पास कोई ना कोई व्यक्ति रहना जरूरी है। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो आप किसी और को बिठा कर आप उसे छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। यदि आपको इमरजेंसी है या फिर आपको जाना ज़रूरी है तो आप किसी न किसी को बोलकर जरूर जाएं कि आपको अखंड ज्योत का खास ख्याल रखना है और यह अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। आप ये भी देखिए कि अखंड ज्योत चलते समय उसका खास ख्याल ये भी रखना पड़ता है कि खिड़कियों और दरवाजों का भी खास ख्याल रखें। हवा चल रही हो तो खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखें। यदि हवा से अखंड ज्योत भूल जाती है तो वह भी अपशगुन माना जाता है, यानी कि इच्छा के लिए जिस पूर्ति के लिए आपने अखंड ज्योत जलाई है वह पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आप अखंड ज्योत जलाते समय इस बात का खास ख्याल रखें। आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत जलाते समय या तो उसके ऊपर कांच के गिलास या फिर कांच का कोई ऐसा पात्र रख दें जिसमें से लो के ऊपर से तो खुला हो लेकिन आसपास से वो ढका रहे, ताकि हवा आने पर या कोई भी ऐसी चीज आने की वजह से बुझने की शंका होती है तो वह बुझे ना और हमेशा चलता रहे। अखंड ज्योत जलाने का मतलब यह भी होता है कि आपको हमेशा अखंड ज्योत के पास ही रहना है। माता का नाम जपते रहिए और सारे काम करते रहिए। 9 दिनों के अखंड ज्योत जब भी आप जलाएं तो उसे इच्छा पूर्ति के लिए तो जलाते हैं, लेकिन आप अपनी अखंड ज्योत का खास ख्याल रखते रहें। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं हिंदू धर्म में। यदि आप चाहते हैं कि माता आपके घर आएँ और आपको आशीर्वाद दें और आपकी मनोकामना की भी पूर्ति हो, तो उसके लिए आप अपने घर पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करते वक्त उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें जल भर दें, और जल भरने के बाद उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें और नारियल पे कलावा बांधकर उसे उसके ऊपर रख दें। ऐसा करने से उसे हमेशा जब तक रखा रहने दें जब तक कि नवरात्र के 9वां दिन यानी कि नवदशमी नहीं आ जाती है। जिस दिन नवदशमी होगी उस दिन तक आपका अखंड ज्योत भी जलना चाहिए, और जिस लोटे में आपने पानी भर कर रखा है वह भी हमेशा भरा रहना चाहिए। उसमें आप पानी बढ़ाएंगे नहीं या फिर पानी कम नहीं करेंगे, उसे कहीं भी डालेंगे नहीं जब तक कि आपके नवरात्रि का दिन का लास्ट दिन नहीं हो जाता। जिस दिन नवरात्रि की दशमी होगी उस दिन नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें, और अखंड ज्योत में यदि तेल है तो उसे कभी भी फूंक मार के या फिर कैसे भी ना बुझाएं। जब तक उसमें तेल रहेगा या फिर घी आपने जो भी डाला है वह उसे हमेशा डले रहने दें, और उसके बाद जब तक दीपक जल रहा है नवरात्रि की नवदशमी तक, तब तक उसे जलने ही दें। और जब दीपक अपने आप ही बुझ जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी अखंड ज्योत जलाएं तो संकल्प लेकर ना जलाएं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।